आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पत्नी की हत्या कर पति ने टुकड़ों में काट दी लाश, खुला 24 दिन बाद ऐसे राज। यूपी के मेरठ में विवाह करने वाले जानकीपुरम के व्यापारी की बेटी रूबी गुप्ता की उसके पति दीपक निराला ने ही हत्या कर दी थी। निराला ने कबूल किया कि उसने 22 अगस्त को रूबी की मूसल से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार दीपक पत्नी की हत्या कर खुद को बचाने के लिए दृश्यम फिल्म की थीम आजमाना चाहता था। इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी की हुई थी। दीपक ने पत्नी की हत्या के बाद उसकी लाश को छुरी से 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद बोरे में उसके टुकड़े भरकर कार से ले जाकर नहर में फेंक दिया था। हत्या के बाद दीपक ने रूबी के पिता रामचंद्र गुप्ता को बताया था कि उनकी बेटी की मौत बीमारी से हुई है। शक होने पर रामचंद्र ने डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद ही जांच शुरू हुई थी और इस मामले में 5 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। एफआईआर के 10 दिन बाद मेरठ की सरधना पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दीपक को गिरफ्तार कर लिया। खुलासे के बाद गोताखोर नहर में उतारे गए, लेकिन शव नहीं मिला। सरधना इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दीपक व रूबी के बीच 20 लाख रुपए को लेकर अनबन चल रही थी। इस बात पर 22 अगस्त को झगड़ा हुआ तो दीपक ने रूबी से चाय बनाने के लिए कहा, उसने मना किया तो इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इस बार दीपक ने रूबी के सिर में कांच का गिलास मार दिया। वह बेहोश हुई तो दीपक ने मूसल से उसके सिर में कई बार वार कर मार डाला। इसके बाद दीपक ने छुरी से शव के 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर नहर में कार से फेंकाया। दीपक ने ही सब पुलिस अफसरों के सामने बयान किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।